हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिट्टू ब्लॉग में। तो आज हम सुबह का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। ब्लॉग हमने ये 10 बजे से शुरू किया है क्योंकि हमने पहले नाश्ता बनाया है, एक्सरसाइज भी की है, सुबह नमाज और कुरान शरीफ भी पढ़ी थी। तो इधर हमने नाश्ते में बनाया है डोसा, तो इधर हमने चाय भी तैयार कर ली है और यहाँ पर हमने साथ में बनाया था घी। अगर आपको घी की रेसिपी चाहिए तो बता देना घी कैसे बनाया जाता है। ये हमने मलाई से घी बनाया है और ये बनाया था हमने साथ में ही सांभर, और ये डोसा के लिए बनाया था हमने भरता। तो इधर हम थाली लगा लेते हैं। अगर आपको डोसा की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम आपके लिए डोसा की भी रेसिपी लेकर आएँगे। और अब छान लेते हैं हम चाय। तो ये नाश्ते की थाली हमारी बनके तैयार है। डोसा के साथ हमने डोसा की चटनी नहीं बनाई है, अगर आपको वो भी चाहिए तो उसका भी आप हमें कमेंट बताइए, तो उसकी भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिट्टू ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं मैदा की मठरी। तो यहाँ पर हमने 1 किलो मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 किलो मैदा में हम ले रहे हैं यहाँ पर 150 ग्राम सूजी। सूजी को भी हमने अच्छे से छान लिया है। अजवाइन और यहाँ लिया है हमने, तो यहाँ लिया है हमने डालडा। डालडा को हमने पिघला लिया है। सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा इसको हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मोमो हमें इतना डालना है, ये देखिए मुट्ठी बन जाए। अब इसमें हम पानी डाल के, अब इसका हम पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। आटा हमने गूंदने के बाद आधे घंटे के लिए रख दिया था, अब इसको हम फिर से सॉफ्ट कर लेंगे। तो इनको हमने बना लिया है और इस तरीके से हमने लंबा लंबा बनाया है, इस तरीके से हमने लंबा बनाया विला है, ना ज़्यादा पतला विला है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इधर हमने फ्राई कर लिए हैं। इसी तरीके से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए सिक गए हमारी मठरी, मतलब सांके। तो इसी तेल में हम इन सभी मठरियों को फ्राई कर लेंगे।